माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, आपने अपने घर में अगर किसी भी तरह के पौधे को लगाया हुआ होगा तो इस वाइट कलर के इंसेक्ट से आप एक बार ज़रूर परेशान हुए होंगे, क्योंकि जैसे ही सर्दी का मौसम ख़त्म होता है, गर्मी का मौसम शुरू होता है, आपके हर प्लांट में इस वाइट कलर के इंसेक्ट का इन्फेक्शन हो ही जाता है। वाइट कलर के इंसेक्ट का इन्फेक्शन गुड़हल में तो बहुत ही कॉमन है, इसके साथ साथ आपको ये अमरूद में भी इन्फेक्ट करता हुआ दिख जाएगा, अनार के पेड़ में भी इसका इन्फेक्शन आपको आसानी से मिल जाएगा, आपने अगर भिंडी लगाया हुआ है तो उसमें भी इस इंसेक्ट का इन्फेक्शन आपको दिख ही जाएगा। वाइट कलर के इंसेक्ट का नाम मिली बग है, और एक्चुअल में जो ये वाइट कलर का अपीयरेंस दिख रहा है, ये इसकी कवरिंग है, इसके ऊपर कोट है। जैसे ही आप इसके ऊपर पानी का तेज स्प्रे अप्लाई करेंगे, वाइट कलर का कवर हट जाएगा और एक्चुअल में जो इंसेक्ट है ऑरेंज कलर का आपके सामने आ जाएगा। मिली बग या वाइट कलर का इंसेक्ट जिस भी प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उस प्लांट के सैप को, उसके रस को, उसके फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को चूसता है और खुद अपनी बॉडी से ये सुगरी कंटेंट को सेक्रीट करता है। इस सुगरी कंटेंट को खाने के लिए चींटियाँ आती हैं, चींटियाँ अट्रैक्ट होती हैं और जाने अनजाने में एक इन्फेक्टेड ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे या एक इन्फेक्टेड प्लांट से दूसरे अन इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर आसानी से ट्रांसफ़र कर देती हैं, और इस तरह से देखते ही देखते पूरा का पूरा जितना भी पौधा है वो सब का सब विद इन अ वीक इन्फेक्टेड हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आपको इस वाइट इंसेक्ट या मिली बग का एक भी लार्वा या एक भी यंग देखता है, आप फौरन एक्शन लीजिए और इसको रिमूव करने की पूरी कोशिश करिए। क्योंकि मिली बग एक इंसेक्ट है, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड अप्लाई करना पड़ेगा, और बेस्ट इंसेक्टिसाइड साइपरमेथ्रिन या अल्फामेथ्रिन है। मैं अल्फामेथ्रिन या साइपरमेथ्रिन को इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये इंसेक्ट को तो किल कर देगा लेकिन आपके प्लांट के ऊपर कोई डैमेज नहीं करेगा, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 लीटर पानी के हिसाब से आप 3 से लेकर 6 ड्रॉप डाल दें। ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप 6 ड्रॉप ले लें, कम इन्फेक्शन है तो 3 ड्रॉप से काम चल जाएगा। 1 लीटर के हिसाब से जितना भी आपको अप्लाई करना है आप उसके हिसाब से बना लें, और बनाने के बाद इसको स्प्रेयर की बॉटल में या मशीन में भर लें और इसकी तेज़ जेट बनाएं और जेट को आप अप्लाई करें। जेट के अप्लाई करने से जितने भी इंसेक्ट हैं वो आपके प्लांट से वॉश ऑफ हो जाएंगे, बह जाएंगे, और जब तक इस इंसेक्टिसाइड का असर रहेगा वापस से इनकी ग्रोथ नहीं होने पाएगी। दोस्तों, चींटियों के डिस्पर्सल की वजह से बहुत आसानी से इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। एक बार जैसे ही आप रिमूव करेंगे, 4-5 दिन के बाद फौरन देखेंगे कि इस वाइट कलर के इंसेक्ट या मिलीबग का इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब तक ये कम्प्लीटली रिमूव ना हो जाए, आपको 3-4 दिन के गैप पे बार बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा, और तब जा करके आप इस वाइट कलर के इंसेक्ट या मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये मिलीबग कतई परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, गार्डन ग्रो से जुड़ने और हमें सुनने के लिए थैंक यू।